शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जाओ। सिकंदर, जाने से पहले मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो। छोड़ दो ये पाप की नगरी, ये गुनाह की दुनिया, नया संसार बसा लो सिकंदर। सुनो, आज मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ उदास देखा, रोते हुए देखा। आज जब जा ही रही हो आखिरी बार, तुम्हें हंसते हुए याद रखना चाहता हूं। एक बार मुझे अपनी हंसी सुना दो। नहीं, एक बार। सब क्या है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेरी हालत पर तरस मत खाओ भाई। जरा ये तो सोचो कल तुम्हारा क्या हश्र होगा। क्या मतलब? सिकंदर। क्या किया सिकंदर ने? वो बदल गया है। बहना, तुम एक फालतू कुत्ते की वफादारी पर शक कर रही हो। वो कुत्ता नहीं रहा भाई, वो आदमी बन चुका है और आदमी बेवफा होते हैं। लेकिन सिकंदर एक वफादार और Don't be a fool, brother. सिकंदर की वफादारी अब उसके दुपट्टे से बंधी दुम हिला रही है, जिसका बयान तुम्हारी मौत का पैगाम है। तुम बकवास करती हो। सिकंदर, अंजलि कहाँ है? मैंने उसे आजाद कर दिया। किससे पूछकर? अपने दिल से।
दीवाना तो नहीं हो गया तू? तू जानता है ना मेरी मौत है और किसी की जिंदगी। मुझे अंजलि चाहिए सिकंदर। जाओ ढूंढो से आकाश में या पाताल में। नहीं नहीं आका, नहीं, उसे बख्श दो आका। मैंने हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हारी खिदमत की है। जो तुमने मुझसे कराया मैंने किया, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूं, उसे बख्श दो आका। बख्श दो उसे? आज तू उसकी पैरवी कर रहा है जिसकी जिंदगी मेरी मौत है, और तुझे एहसास हो गया कि तू एक कुत्ता है। लेकिन सिकंदर तू ये भूल गया कि तुझे रास्ते से उठाकर मैंने नई जिंदगी दी। तेरे सूखे होंठों को मैंने पानी दिया, तेरे भूखे पेट को मैंने रोटी दी। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, रोटी देकर मुझे रोटी छीनना सिखाया, जिंदगी देकर जिंदगी लेना सिखाया। तुमने मुझे इंसान नहीं जानवर बना दिया आका। बहना ठीक है दीदी, तू बदल गया है। उस कुतिया ने तुझे बदल दिया है, उस दो टके की छोकरी। नहीं आका, नमकाराम गद्दार, तूने मेरे सामने सर उठाने की जरूरत की? लगता है उस बदजात ने अपनी जवानी का जादू तुझ पर चला दिया है। बस आका, बस। क्यों, क्या कर लेगा तू? हा? मुझ पर हाथ उठाएगा? हा? मुझ पर हाथ उठाएगा? हा? मुझ पर, मुझे मारेगा? अपने आका पर हाथ उठाएगा, मारेगा मुझे? बस आका, उठा हाथ। नहीं, मार, मार मुझे, मार, मार मुझे, मार मुझे। सिकंदर तूने लाला के साथ बगावत की है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। ये जानकर भी कि मोहब्बत का अंजाम बर्बादी है, तबाही है, मौत है। हाँ लाला, जिसके मुंह से आज तक मेरे लिए आका के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकला, उसने आज मेरा नाम लेने की जरूरत की। हाँ चंगेज लाला, हाँ। मेरा खून नहीं, ये तेरा गंदा नमक है लाला, जो हमेशा के लिए मेरे बदन से निकल गया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। हराम जादे को पागल हो गया ये। Thank you.
रीत की रीत सदा चली आई, रीत की रीत सदा चली आई, बस हीर मेरा झमरता है, हाँ हीर मेरा अपने भी हो गए तेरे, ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे। अंधियारों में तेरा मन था जोगन और मेरा दिल था रमता जोगी, मेरा दिल था रमता जोगी। और तुम लोगों से रोक तक नहीं सके। लाला वो हमें समझ में नहीं आता वो कहां से निकल आया, हमने तो चुप, पता नहीं ये हिजड़ों की टोली मैंने कहां से इकट्ठी कर ली। इससे पहले कि लोग मुझे तुम में से एक समझे, जाओ दावत का ऐलान करो, ज्योति भेजो, जमाना कहीं ये ना समझे कि चंगेज साला एक लड़की से डर गया। जाओ। शाबाश करण, आखिर तुमने सबको गलत साबित कर दिया। नहीं सर, मैंने सिर्फ अपने दिल की धड़कन को साबित किया है। अब चंगेज लाला को फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं बचा सकता। आप बस कोर्ट की तारीख पक्की कीजिए। चंगेज लाला ने कहा था कि इस मुल्क में वो फौलाद नहीं बना है जिसे उसकी हथकड़ियां ढाली जा सके। अब मैं उसे बताऊंगा
किस मुल्क के फौलाद में कितना वजन है। चंगेज लाला। कौन? मैं वो मेहमान हूं जिसका तुम्हें इंतजार नहीं है। जो मेहमान जबरदस्ती मेरी महफिल में घुसाते हैं उन्हें मैं पसंद नहीं करता। मेरे और तुम्हारे बीच एक जंग बाकी है लाला, और आज वो जंग मैं तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाया हूं। ये तुम्हारी आखिरी महफिल है, इसलिए कोशिश करना कि सबसे बेहतरीन महफिल हो। जिसके कंधे का सहारा लेकर तू इतना चहक रहा है वो मेरे खौफ के मारे मेरे सामने तक नहीं आ सकती, मेरे आगे सर तक नहीं उठा सकती। तुम किसकी बात कर रहे हो लाला? अंजलि की? अंजलि, अंजलि, तुम मुझे इससे बेहतरीन तोहफा नहीं दे सकते थे। चलो अंजलि। नहीं। चलो आओ अंजलि, आओ। अपनी आंखें ऊपर करके मुझे देखोगी नहीं? अभी तो तुम सलामत हो, तू मुझसे बगावत करेगी? तू नहीं कर सकती क्योंकि तू एक बेचारी और कमजोर औरत है, और तेरे पास सब कुछ सर झुकाकर बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक जवाब है लाला। क्या? ये सिर्फ मेरा तमाचा नहीं है लाला, ये उस बेचारी औरत का तमाचा है जिसने कभी तुझे जन्म दिया होगा। ये हर उस औरत का तमाचा है जिसकी चूड़ियों को तुझ जैसा मर्द उसकी हथकड़ियां समझता है। उस औरत का जो अपने सुहाग के लिए सीता जैसा वनवास भी सह सकती है और दुर्गा का रूप भी अपना सकती है। चंगेज, ये मत भूल कि अभी तेरा दूसरा काल भी बाकी है। कल अदालत में तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलेगी। चलो। भूलना मत, कल ठीक 12 बजे। लाला, इतने मेहमानों के सामने उस वक्त क्या? और अदालत तक पहुंचने वाले हर रास्ते, गली गली, कोने कोने, चप्पे चप्पे पर चंगेज लाला के नाम की मोहर लगा दो। वो लड़की किसी भी कीमत पर अदालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। ओ, तो तुम उसे अब तक नहीं भूले? क्यों, क्यों सिकंदर, क्यों? देखो सिकंदर, मेरे सीने को चीर के देखो, इसकी हर धड़कन को सुनो। क्या अंजलि का दिल तुम्हारे लिए यूं धड़कता है? क्या है उस अंजलि में जो मुझ में नहीं? दीवाने से दीवानगी का सबब ना पूछना, वो खुद नहीं जानता कि वो दीवाना क्यों है। दीवाना? तो फिर सुन दीवाने, मैंने तुझे जिंदा इसलिए नहीं रखा कि तू किसी और पे मिट जाए। कल अंजलि की जिंदगी का आखिरी दिन होगा सिकंदर, इसे पहले कि वो गवाही दे, मेरा भाई उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसकी बर्बादी मेरी आबादी होगी। ओ, मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इबादत है। मैं लुट जाऊंगा लेकिन अपनी इबादत को लुटने नहीं दूंगा। मैं
अंजलि पीछे जा। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो ना? हाँ गाड़ी ले जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूं। जाओ तुम लोग यहां से, अंजलि को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो। जाए लेकिन जा अली। हाँ गया। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। मुझे बचा ले अंजलि, मुझे बचा ले इसे मारने से, मुझे बचा ले अंजलि, मुझे बचा ले। आप
Thank you.